नमस्कार, आप देख रहे हैं द पॉलिसी टाइम्स, मैं हूं आपके साथ साजिद। अभी आप पीछे देख रहे हैं यहां पे कांग्रेस की रैली है, यहां पे राहुल गांधी का जनसभा होने वाला है और वहीं ये दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी यहां आएंगी। और यहां देख रहे हैं आप कि यहां जेपी अग्रवाल जो चांदनी चौक के प्रत्याशी हैं, आइए हम बात करते हैं जेपी अग्रवाल जी से और कई मुद्दों पर हम बात करेंगे और यहाँ की जनता से भी राय लेंगे। अभी हमारे साथ है जेपी अग्रवाल, कांग्रेस के प्रत्याशी। सर, आप चांदनी चौक से प्रत्याशी है कांग्रेस के, इस बार क्या लग रहा है? बहुत अच्छा सर, इस बार कांग्रेस का क्या होगा? सातों जीतेंगे। सर, आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? कांग्रेस का हमेशा रोटी कपड़ा मकान रोजगार एक ही मुद्दा और कोई मुद्दा नहीं होता। हम हमेशा विकास की बात करते हैं, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, रोटी कैसे मिलेगी, छत कैसे मिलेगी, तभी तो हमारा देश मजबूत होगा। सर, आप सर पिछले 5 साल में जो मोदी की सरकार थी, क्या कहेंगे? देश को डुबो दिया, रोजगार नहीं है, व्यापार नहीं है, नौकरियां नहीं है, देश के इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। आर्थिक व्यवस्था का बुरा हाल है, जब घर में रोटी नहीं है खाने को तो क्या करेंगे ऐसे प्रधानमंत्री। मोदी दो चुनाव में आर्मी को लेकर के वोट मांगा है, वो सबसे घटिया काम करने के आदी हैं। सर अगर कांग्रेस की सरकार आई केंद्र में तो पहला काम क्या होगा कांग्रेस का? 72,000 रुपए मिनिमम आए वो इम्प्लीमेंट होगा जिसका वायदा कांग्रेस ने किया। सर, रोजगार पे क्या करेंगे कांग्रेस? रोजगार की बहुत सारी स्कीम दी है जो हमारा हमेशा काम रहा है डेवलपमेंट में, उसमें रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा को क्या लेकर क्या सारी चीज़ें। अभी एक एक करके क्यों पूछ रहा हूँ, पूरा एजेंडा है उस जिसके ऊपर कांग्रेस काम करती है, आगे भी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार किसकी सरकार आएगी? हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी। पिछली सरकार जो 5 साल काम किया वो कुछ काम नहीं करा। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उन्होंने नहीं हुआ, हमारी छोटी छोटी बहनों की हमारी इज्जत लूटी गई है। हमारी दिल्ली की हालत देखो कितनी खराब है, समझे, और सड़कों की देख लो क्या हालत है, लड़की महिलाओं बच्चे हमारे बाहर नहीं निकल सकते। टाइम कांग्रेस को आने की बहुत जरूरत है क्योंकि सबका साथ सबका विकास का नारा जो था बीजेपी का वो फेल हो चुका है, फिरका परस्ती बहुत फैला चुके हैं, इनसे राहुल गांधी आएंगे तो कुछ सुधार होगा। अच्छा, पिछले 5 साल की जो पिछली सरकार थी उन्होंने क्या किया जनता के लिए? जनता के लिए कुछ नहीं किया, अपना आप घूमे, वर्ल्ड घूमने की उनकी तमन्ना थी वो पूरी हो चुकी है 5 साल की, अब आगे मौका नहीं मिलेगा। हमें तो इस बार लग रहा है जी अब कांग्रेस की सरकार बनेगी क्योंकि मोदी जी से लोग बाग बहुत दुखी हो गए। मोदी जी ने कुछ भी काम नहीं किया, क्योंकि पहले तो इन्होंने नोटबंदी में सैकड़ों आदमी पब्लिक को मरवा दिया, फिर नोटबंदी का वो जीएसटी लगा दी। गब्बर सिंह टैक्स को कांग्रेस पार्टी ने एक सच्ची जीएसटी में बदल दिया। नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया की बात की, ये दिल्ली जो है एंटरप्रेन्योरशिप का सेंटर है, यहाँ पे हर युवा अपना धंधा चालू करना चाहता है, छोटा बिजनेस चालू करना चाहता है। हर युवा दिल्ली में आता है, सपना देखता है कि भैया मैं भी छोटा सा बिजनेस चालू कर दूं। आज नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में आपको बिजनेस चालू करने के लिए हर सरकारी डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। एक डिपार्टमेंट में जाइए परमिशन लीजिए, दूसरे डिपार्टमेंट में जाइए परमिशन लीजिए, रिश्वत दीजिए परमिशन लीजिए, रिश्वत दीजिए परमिशन लीजिए, रिश्वत दीजिए परमिशन दीजिए। नरेंद्र मोदी जी कहते थे 70 साल में नहीं हुआ। हां नरेंद्र मोदी जी, 70 साल में किसी भी सरकार ने नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स जैसा काम नहीं किया।